अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ गुर्दे और कलेजी का ग्रेवी का सालन। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान और मज़ेदार। अब बकरीद का महीना ईद आ रही करीब, आपको आसानी होगी ये रेसिपी से। जुमला है ये आधा किलो, इसमें है गुर्दे भी है और कलेजी भी है, दो मिक्स है। और सबसे पहले इसका धोने का तरीका मैं बताऊंगी। एक 1 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, 1 टेबल स्पून गेहूँ का आटा डाल के इसको अच्छे से हाथ से मल लेना, तो इससे बहुत जल्दी साफ़ होता। इसमें ना तो कलेजी में से लाल पानी आते रहता, साफ नहीं होते। इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से मसल के। हमारे गुर्दे कलेजी साफ हो गए, अब इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून भर के नमक, 2 टीस्पून भर के नमक और 2 टीस्पून लाल मिर्ची। सारे चीज़ों को हाथ से अच्छे से लगा लेंगे। इसको हाथ से अच्छे से लगा लिए, 15 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देना। 15 मिनट हो गए, अब इसको पकाएंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 3 मीडियम साइज की प्याज, इसको बारीक कट कर ली। इसके लिए मैं डाली 4 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज का कच्चापन चले गया और हल्की सी ब्राउन हो गई और सॉफ्ट हो गई। अब इसमें डालेंगे 2 इंच का दालचीनी का एक टुकड़ा, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 3 लौंग और 4 इलायची और इसमें डालेंगे कलेजी लेते हैं। अब इसको 3 चम्मच भून लेंगे। तीन से चार मिनट में इसको अच्छे से भूनिए और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोथमीर पुदीना बारीक कटे और छोटे कप से पानी डालेंगे। अब इसको 5-6 सीटी देंगे और 5 मिनट धीमे पर रख के उसके बाद इसको चेक करेंगे ढक्कन लगाने के बाद। 5-6 सीटी हो गए और 5 मिनट धीमे पर रखी, 5-7 मिनट धीमे पर रखी। उसके बाद ढक्कन निकाल के इसको अच्छे से चेक कर ली और गुर्दे और कलेजी दो भी करके इसको खुले बर्तन में डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे गर्म मसाले का पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा पानी को सुखा लेंगे और प्याज तो अच्छे से गल गई और इसको भून लेना, साफ कुछ नजर नहीं आना। गलने के बाद भून लिया तो मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चों को मैं पीस कर लूँ और कोथमीर पुदीने को बारीक कर दूँ। अब इसे 5-6 मिनट धीमे पर ढक के रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। 5 मिनट के लिए मैं धीमे पे रखी थी, माशाल्लाह सरफेस पे अच्छे से ऑयल आ गया। देखिए सरफेस पे अच्छे से ऑयल आ गया और हमारा गुर्दे कलेजी का सालन तैयार हो गया। और इतनी अच्छी खुशबू सारे घर में महकती जो मैं ये तरीके से बताई, सिंपल तरीके से आप ये तरीके से बताइए बनाइए। फ्लेम को बंद करके डिश आउट करेंगे और इतनी ग्रेवी तो इसमें ज़रूरी है, बिल्कुल मीडियम ग्रेवी है ये। रोटी के साथ आप बकरीद की ईद के दिन आप बना सकते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी के साथ, बहुत जल्दी भी बनता, आसानी के साथ टेस्ट भी बहुत रहता। आप ये ज़रूर बनाइए, इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोथमीर के बदले सोए की भाजी डाल के भी सेम बना सकते हैं। जब सोए की भाजी अगर डालना है तो गरम मसाला को स्किप कर देना, गरम मसाले की ज़रूरत नहीं। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।